अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस मैं अपनी मुर्गियों के पास लेके आ रही हूँ। इनके केज की मिट्टी बहुत गंदी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ और नई मिट्टी डाल दूँ, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया वैक्टीरिया भी होते हैं और काफ़ी दिन होगा मैंने मिट्टी की साफ़ नहीं की। आज नई मिट्टी डाल देंगे वो मिट्टी निकाल के। तो वैसे और हमने आज अपना पोंड भी साफ़ करना है। सबसे पहले गाइस हम अपनी मुर्गियों के केज की सफाई करेंगे, तो चलते हैं अपने मुर्गियों के केज के पास, हम जाकर उनकी सफाई करते हैं। बस ये रहा हमारा पिंजरा, और गैस आप लोग देख रहे हो कितनी गंदगी हो गई है। इसको मैंने यहाँ पर पूरा साफ़ कर लेना है और गैस नई मिट्टी डाल दूंगा। और गैस हमारी कड़क मुर्गी है यहाँ पर बैठी हुई है, इसको परेशान नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं टोकरा देता हूँ और यहाँ की मैं मिट्टी उठाना शुरू करता हूँ। तो गैस ये मैं टोकरा लेकर आ गया हूँ, और ये टोकरा हम लोग इसके ऊपर दे देते हैं कि परेशान ना हो, बस यही मैं चाहता हूँ। ये जैसे भी आ गया बस गैस ये मुर्गी परेशान नहीं होगी इससे, वरना ये मुर्गी ना उठ के चली जाएगी। ठीक है, अब ये गैस मैं इसकी मिट्टी साफ़ करना शुरू करता हूँ। A few moments later. तो गाइस ये देख रहे हो मैंने पिंजरे को साफ कर लिया है, और गाइस अभी हम इसके अंदर मिट्टी ये वाली डालने वाले हैं। हाँ, ये वाली मिट्टी गाइस हम इसके अंदर डालने वाले हैं। इस मिट्टी को लेकर चलते हैं पिंजरे के अंदर और ये मिट्टी डालते हैं। ये देख रहे हो मिट्टी मैंने लेवल कर ली, और गाइस अभी यहाँ पर ना मैं तूड़ी डालने के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि गाइस ये देख रहे हो आप लोग जगह इस जगह पे गाइस हम लोग तुड़ी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अंडा देते हैं ना ज़्यादातर, तो इसलिए मैं तुड़ी लेकर आई। तुड़ी डाल देंगे हम यहाँ पर। ये तुड़ी गाइस पुराने वाली है, ये नई तुड़ी तो नहीं है। ये मैं ये इसके अंदर डालने के लिए लेकर आया था मुर्गी के लिए, तो ये मुर्गी कुड़क हुई थी, बाकी बच गई थी, तो मैं ना यहाँ पर डाल दूँ। ये मैंने डाल दी है, बाकी थोड़ी सी ना हम यहाँ पर भी छिड़काव कर देते हैं। अभी हम ना यहाँ पर अपनी मुर्गियाँ छोड़ देते हैं, मैं अपनी मुर्गियाँ लेकर आया था और अपनी मुर्गियों को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये रही हमारी मुर्गियाँ, और इसे आस्ते आस्ते करके अंदर कर देते हैं। दो दो चली गई हैं, बाकी एक बोरी वहाँ पर बैठी है पूर्ण के ऊपर, पूर्ण को उन्होंने गंदा कर दिया। ये भी गाय अंदर चली गई। ठीक है, सारी की सारी मुर्गियाँ गाय मैंने अंदर कर दी हैं, बाकी वो बैठी है, इसको कर देते हैं हम लोग बंद। ये देख रहे हो गाइस इन्होंने हमारे पोंड की क्या हाल कर दिया है, ये सारे के सारे पौधे खा गए। ये मेरी बेल लगाई थी ये भी उन्होंने खा ली, बाकी ये बची हुई है मिट्टी की, देखो हाल क्या कर दिया। तो गाइस अभी मैंने अपने केज को साफ कर लिया, साफ करना अपने पोंड को, चलते हैं अपने पोंड के पास गए उसकी भी सफाई करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा पोंड हो गया, इसकी सफाई के लिए मैं ये करने वाला हूँ कि गाइस मैं ना एक कपड़े का पीस ले लेता हूँ। सबसे पहले गाइस हम इसकी साइडों को और नीचे जो तय है उसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद क्योंकि इसमें से हम पानी निकाल लेंगे और फिर नया पानी डाल देंगे। तो गाइस मैं पूरा पानी नहीं निकालूंगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर मछलियाँ भी हैं, और गाइस ये मछलियों के बच्चे हैं, हाथ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं इसमें इसके अंदर थोड़ा पानी छोड़ दूंगा और बच्चों को बिल्कुल नहीं निकालूंगा। तो गाइस मैं अभी एक कपड़े का पीस ले आता हूँ, उसको साफ़ करना शुरू कर देता हूँ। ये रहा हमारा कपड़ा, गाइस हम सफाई करना शुरू करते हैं। देख रहे हो मैंने इसके ऊपर कपड़ा तो मार लिया, देख रहे हो कितना पानी गंदा हो गया। अब गाइस मैंने इस मग्गे के जरिए इस बाल्टी में सारा पानी निकालना शुरू कर देता हूँ, और गाइस ध्यान रखना है हमारी इसके अंदर ना मछलियाँ नहीं आए। देख रहे हो मैंने पानी निकाल लिया, बिल्कुल थोड़ा पानी रखा है, और गाइस इसकी मैंने अभी सफाई कर ली है। एक बार इसके अंदर हम लोग पानी डालने वाले हैं, मैं पानी लेकर आता हूँ, इसमें पानी डालना शुरू करते हैं। तो मैंने गाइस पानी चेंज कर दिया, और गाइस अभी हल्का फुल्का पानी इसका साफ़ हो गया है। अब गाइस ये है कि मैं इनको खाना डाल देता हूँ, शाम की फीड। हाँ ये इसका खाना, इसका खाना खोल लेते हैं और उसको खाना डाल देते हैं। इस बार गाइस छोटे दाने वाली फीड है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, इसलिए इस बार छोटे दाने वाली है। पहले मेरे पास बड़े दाने वाली पड़ी थी, अभी इस बार मैं छोटे दाने वाली लेकर आया हूँ। हाँ बस इतनी ठीक है। तो ओके गाइस ब्लॉग करो मैं यहाँ पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिले नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।